देश में नौकरियां तो हैं, लेकिन ये हिटलर शाही सरकार आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है। देश में इस वक्त 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिनकी भर्ती के लिए मोदी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आप नौकरियों में आएंगे तो आर्थिक मजबूत बनेंगे, बुलंद आवाज के साथ सरकार से सवाल पूछ बैठेंगे, और सवाल पूछने वाले इस सरकार को पसंद नहीं है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली सरकार आपके साथ बड़ा खेल कर रही है। 2014 के मुकाबले केंद्र सरकार में सिविलियन नौकरियों के खाली पद 2 गुना हो गए हैं, लेकिन आपके लिए नौकरी नहीं है। सरकारी महकमों में कुल मिलाकर 30 लाख पद खाली हैं। संवेदनहीन मोदी सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों की विरोधी है, तभी ये खाली पद नहीं भर रही है। कुछ हजार भर्ती पत्र बांटकर मोदी जी वह भाई बटोरने की कवायद में युवाओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। साल दर साल बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पूरे विश्व में बेरोजगारी की लिस्ट में 5वें नंबर पर है, लेकिन एक मामले में मोदी जी नंबर 1 है, तमाशा करने में। आपसे परीक्षा तो लिखवाई जाएगी, लेकिन नौकरी के लिए माफी। युवाओं के सपनों के साथ खेल कर रही मोदी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार में ही आपको नौकरी मिलेगी, आपके सपने भी पूरे होंगे।